आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। तो मैं पहुंच गया हूं त्र्यंबकेश्वर महादेव का आठवां ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। तो मैं पहले तो जाऊंगा और जो वरुण देव जो कुंड बनाए थे उस कुंड में नहाऊंगा, उसके बाद चलेंगे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। तो चले पहले कुंड में चलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार पानी तो गंदा है पर नहाना पड़ेगा, क्या करें, आए हैं। तो अभी हम लोग कुंड में नहा के और बस मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मैं हूँ और इधर पवन जी हैं। पंडित जी स्टैंड मार लो, ठीक है। सो नेक्स्ट तो हम लोग बूढ़े आदमी नहीं थे पर हो गए हैं। तो जैसे हम लोगों ने नहा के निकला, मंदिर की तरफ जा रहे थे, तब चंदन वाले भैया मिल गए और हम दोनों को चंदन कर दिए, वो भी 10 रुपये में दोनों का। भाई बहुत ही सस्ता जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। भाई नासिक बहुत अच्छा बेस्ट जगह है, त्र्यंबक जो जगह है वो बहुत मस्त है। और उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो पहले हम चल के दर्शन करते हैं, क्योंकि सुना है कि बहुत टाइम लगता है, 5 घंटा 6 घंटा। तो हम लोग पहले मंदिर की तरफ चल दिए, चारों साइड से वहाँ के नज़ारे देखते हुए। बहुत अच्छा नज़ारा था यार वहाँ का, चारों साइड का। और फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर के गेट पे और ये है मंदिर का गेट, बहुत ही अच्छा है। तो लाइन में फ़िलहाल हम लोग लग गए हैं और पीछे पवन जी हैं। आगे लाइन दिखा दो। और आगे का जो लाइन है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। और फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा लाइन है और देखते हैं आगे क्या होता है, कितना दिन में दर्शन मिलता है। वो एक कविता थी कि देखो आगे क्या होता है, पढ़े हो गया। अच्छा तुम लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हो ना। तो बस जो है सो फिलहाल यही है। तो बाहर अभी बहुत ज़्यादा लाइन है और हम दोनों झंडू लोग जो है वो लाइन में लग गए हैं। मुझे पता है कि हम लोग जैसे पहुंचेंगे शंकर भगवान हम लोग पे अपना नंदी छोड़ देंगे। ठीक। सो पिछले 1 घंटा से लाइन में लगने के बाद अब लगता है कि काफ़ी जल्दी दर्शन हो जाएगा, तो देखते हैं। अमेजिंग व्यू है। पिछले 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, 8 बजे से अभी 10:15 हो रहा है, मतलब 2.25 घंटा हो गया। और अभी लगता है कि 3 घंटा और लग ही जाएगा दर्शन करने में। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। 6 घंटे के बाद दर्शन हुआ है अभी, और वो भी मुश्किल से मुश्किल 2 सेकेंड तक। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। कल 5 बजे से ही परेशान हूँ यार। कल शाम को 5 बजे से मैं घर से जो निकला था दर्शन के लिए ना, सो अब तक यहाँ पे हूँ। बहुत परेशानी हूँ यार, और अब बस यहाँ से निकलूँगा। तो 6 घंटे से भूखे प्यासे और दर्शन के लिए काफ़ी 6 घंटा टाइम दे दिया। अब निकलेंगे और कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला भूख लगी हुई है। और मुझे आज यहाँ से जाने का प्लान था दमन, बट आज टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि एक जगह और देख रहा है, एक जगह नहीं नासिक में बहुत सारा जगह घूमने वाला है। तो मैं सबको घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट करना क्या है। तो ये है मंदिर, लगभग मुंबई से 3 घंटे की दूरी पे है और नासिक रेलवे स्टेशन से ना 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है।
तो आप जब भी आप आना चाहो आ सकते हो, बहुत अच्छा प्लेस है। और ये ब्लैक पत्थर, काला पत्थर से बनाया गया है, बहुत अच्छा है यार। ये शायद 1700 सन में ना इसको तीसरी बार बनाया गया था। तो फिलहाल अब मंदिर से हम लेते हैं एग्जिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।